गाइस, आई एम हनी क्रिश एंड वेलकम टू माय चैनल हनी क्रिश वर्ल्ड। आज मैं हाजिर हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। और जैसे कि आपको पता है, मैं ऑरिफ्लेम के प्रोडक्ट्स के हवाले से वीडियोस बनाती हूँ। जो जो प्रोडक्ट्स मेरे पास अवेलेबल होते हैं, उस हवाले से मैं वीडियोस लेकर आती हूँ, बताती हूँ कि प्रोडक्ट्स क्या है, किस इस्तेमाल के लिए होता है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं। तो मैं उस प्रोडक्ट्स के हवाले से वीडियोस शेयर करती हूँ। तो आज मेरे पास जो प्रोडक्ट्स अवेलेबल है वो है लव नेचर की हॉटल ट्यूब्स। हॉटल ट्यूब्स के बारे में तो हर दूसरे बंदे ने सुना भी होगा। ऑरिफ्लेम का बेस्ट प्रोडक्ट है हॉटल ट्यूब्स। वैसे तो ऑरिफ्लेम के बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो बेस्ट एंड बेस्ट ही हैं, जैसे कि मिल्क एंड हनी का शुगर स्क्रब, सारे बेस्ट हैं। बट हॉटल ट्यूब का भी VIP रिजल्ट है और इसका भी काफ़ी सारे लोग जानते हैं हॉटल ट्यूब के बारे में, और बहुत सारे लोग तो इसको इस्तेमाल भी करते हैं। तो आज मैं इसके बारे में कुछ शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके नाम के बारे में। तो नाम है इसका ऑरिफ्लेम स्वीटन लव नेचर हॉट ऑयल फॉर ड्राई हेयर बीट एंड कोकोनट ऑयल। ठीक है, इसका जो नाम है वो है हॉट ऑयल फॉर ड्राई हेयर। अच्छा, इसके ऊपर लिखा हुआ ये ड्राई हेयर के लिए, ठीक है। बट ये ज़रूरी नहीं है कि ड्राई हेयर वाले भी इस्तेमाल कर सकें, ये ऑयली हेयर वाले भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सूटेबल है ऑल स्किन टाइप, ऑल स्किन हेयर, ऑल हेयर स्कल्प के लिए। इसके ऊपर लिखा हुआ ज़रूर है ड्राई हेयर्स, पर ये ऑल हेयर्स के लिए है, क्योंकि मेरे खुद के स्कल्प टाइप ऑयली है और मैंने इसको इस्तेमाल किए, मुझे इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिला है। तो ये ऑल हेयर स्कल्प के लिए होता है, और ये इसके अंदर वीट एंड कोकोनट ऑयल है, तो ये बालों के लिए बेस्ट है। इससे बाल गिरना कम हो जाते हैं, और जिनके जो गंजपन होता है उनके बालों की रीग्रोथ होती है। जैसे कि बिल्कुल किसी के गंजपन बहुत ज़्यादा है, बाल बिल्कुल खाली खाली हो गए हैं, सर नज़र आ रहा है, बहुत कम हो गए बाल, तो इसका इस्तेमाल से, इसके लगातार इस्तेमाल से, रेगुलर अगर हम इसका यूज़ करते हैं तो इससे बाल की ग्रोथ अच्छी होती है, और जहाँ पे गंजपन होता है वहाँ पे बाल रीग्रोथ होना शुरू हो जाते हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने ये खुद यूज़ करा है, मेरे फादर ने यूज़ करी है, और मेरे फादर की 47 है और उनके बीच में से बाल उड़ गए थे, मतलब ख़त्म हो रहे थे, गंजपन हो गया था। तो मैंने उनको ये हॉटल ट्यूब इस्तेमाल करवाई और उनके काफ़ी हद तक बाल भी ग्रोथ हुए हैं, छोटे छोटे से बाल उनके सर पे आ गए हैं। बड़े होने में टाइम लगेगा, बट ये कि री ग्रोथ हुए हैं, छोटे छोटे बाल निकल आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये इफेक्टिव है। ये बालों में गंजपन की भी बहुत अच्छी बेस्ट, सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है बालों के लिए। तो बात करते हैं इसकी MN की, तो उसके ऊपर लिखा हुआ है इसका ML है 15 ML, 15 ML की है ये, इसका साइज़ आप देख सकते हैं इतना सा है। बाकी 15 ML है, लोग सोचते हैं यार, और इसके प्राइस जो है मैं आपको बता भी करूँ, तो ये 450 की है, कस्टमर प्राइस पर 500 की है, और इसके प्राइस हर 3 महीने के अंदर होते, कभी 450 की, कभी 500 होती रहती है। तो लोग भी इसको बाय नहीं करते, क्योंकि बहुत से लोग ये बोलते हैं यार ये तो इतनी चीज़ है और इतनी महंगी है, बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी, इसका क्या रिजल्ट मिलेगा। बाकी ये इतनी सी ट्यूब आप इसको बाय करते हो, ये आराम से 1 महीना तो आराम से चलती है। जेंट्स के सर में कम से कम 2 महीने चलती है, और लेडीज़ के सर में कम से कम 1 महीने चलती है। ये आराम से फर्स्ट 1 महीने तक इस्तेमाल की जा सकती है। इस ट्यूब को देख के लगता नहीं कि 1 महीने तक यूज़ कर सकते हैं, पर ये 1 महीने तक आराम से यूज़ हो जाती है, क्योंकि इसका एक ड्रॉप ही हम इस्तेमाल करते हैं। यह ऑयली को उसमें होता है, इसके अंदर ज़्यादा चिकनाहट नहीं होती है, ये ड्राई सा ही होता है, बट ये जब इसको लगाते हैं ना हेयर पे, तो ये काफ़ी सारे स्कल्प पे एक ड्रॉप लग जाता है, मतलब हमारा कम से कम 2 से 3 ड्रॉप होता है जो हमारे पूरे सर में लग जाते हैं इसके। और ये सिर्फ स्कल्प पे ही यूज़ होते हैं, ये बालों पे यूज़ नहीं होती, सिर्फ स्कल्प पे ही यूज़ की जाती है इसको। और इसको यूज़ करने का तरीका ये है कि इसको नीम गर्म पानी में इस तरह खड़ा कर देते हैं, और जब ये नरम होने लग जाती है तो फिर इसको हाथ पे फ्यू ड्रॉप, 1 या 2 ड्रॉप इसको लेकर और उंगलियों की मदद से सर पे मसाज किया जाता है सिर्फ स्कल्प पे, और बस उसके बाद छोड़ देते हैं, और ये ड्राई जाती है, स्किन में जब जाती है उसके अंदर बिल्कुल भी ऑयली ऑयली का फील नहीं होता। ये स्कल्प पे बहुत अच्छी तरह ड्राई जाती है, और पता भी नहीं चलता इसको वॉश करने, इसको लगाने के बाद वॉश करने के लिए बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। तो अब मैं आपको ये बताती हूँ कि ये जो मेरे पास हॉटल ट्यूब्स अवेलेबल है, ये आप देख सकते हैं इसकी पैकेजिंग। तो ये है इसकी पुरानी पैकेजिंग, मतलब ये ऑरिफ्लेम में इसकी न्यू पैकेजिंग भी आ चुकी है, सेम हॉटल ट्यूब्स हैं बट इसकी पैकेजिंग चेंज कर दी है। ये देखिए, मेरे पास दोनों पैकेजिंग की अवेलेबल है, पहले का स्टॉक भी अवेलेबल है और न्यू वाला भी, तो इसमें कोई फ़र्क नहीं है।
ये भी वही है और ये भी वही है, दोनों का काम वही है, सेम टू सेम है, दोनों का रिजल्ट सेम है, बस सिर्फ पैकेजिंग चेंज हुई है, बाकी कोई मसला नहीं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अभी और इम्प्लीमेंट ये वाली चल रही है, ये वाली पुरानी है या एक्सपायर है, तो ऐसा कुछ नहीं है, दोनों सेम है और दोनों का रिजल्ट भी सेम है, बस सिर्फ पैकेजिंग चेंज है। और नई बार एक्सपायरी की, तो एक्सपायरी भी हम देख लेते हैं यहाँ पे, 12/12/2024 की है, ठीक है, इसमें भी टाइम है। और ये वाली तो है ही न्यू पैकेजिंग, तो ये है 2/12/2025, तो दोनों की एक्सपायरी खूब है, ठीक है। तो हॉटल ट्यूब बहुत ही बेस्ट है, इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है, जिसने अभी तक इस्तेमाल करी है उन सबको पता है इसका रिज़ल्ट क्या है, और जिसने इस्तेमाल नहीं करी वो ज़रूर इस्तेमाल करके देखें, हेयर के लिए बहुत अच्छा इसका इफेक्टिव है, और जिस जिसके हेयर पर प्रॉब्लम है वो ज़रूर इसको इस्तेमाल करें। और अगर किसी को मुझसे ये बाय करनी है तो प्लीज़ मेरे डिस्क्रिप्शन में इंस्टा का लिंक है, उस पर क्लिक करके मुझे DM कर सकता है। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।